वेलकम टू मंडे मोटिवेशनल स्टोरीज। मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला और मैं हूँ आपकी माइंड एंड मेमोरी कोच। हर मंडे मैं आपके लिए लेके आती हूँ एक स्पेशल मंडे मोटिवेशन स्टोरी और आज की स्टोरी का नाम है द परफेक्ट आइडल। इससे पहले मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड आइकन है उसको दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो आज की स्टोरी का नाम है द परफेक्ट आइडल। फ्रेंड्स, एक बार की बात है कि एक मुसाफिर, एक फॉरनर इंडिया घूम रहा था, इंडिया में कोलकाता में घूम रहा था और वहाँ पर वो घूमते घूमते वहाँ की मूर्तिकारकों की जो मार्केट है वहाँ पहुँच गया, जहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट मूर्तियाँ बना रहे होते हैं जनरली भगवानों की। वो उन खूबसूरत मूर्तियों को देख रहा था तभी उसकी नज़र एक आर्टिस्ट पे पड़ी, एक मूर्तिकार पे पड़ी जो बहुत ध्यान से एक मूर्ति को बना रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ी एक और मूर्ति पे। वो मूर्ति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मूर्तिकार अभी बना रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे, मगर ये मूर्ति उन्होंने एक साइड डंप कर रखी थी, फेंक रखी थी। तो जो टूरिस्ट है वो बहुत क्यूरियस हो गया, उसने जाकर मूर्तिकार से पूछा कि आपके पास एग्जैक्टली सिमिलर एक मूर्ति बनी पड़ी है जो आपने साइड में डंप कर रखी है और अब आप एक नई मूर्ति बना रहे हो, बिल्कुल सेम है जो। तो मूर्तिकार ने बताया कि जो मूर्ति मैंने डंप करी है, जो साइड में रखी है, उसमें डिफेक्ट है, इसलिए मैं उस मूर्ति को नहीं यूज़ कर सकता और मैं एक नई मूर्ति बना रहा हूँ ताकि मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। तो टूरिस्ट ध्यान से उस डंप की हुई मूर्ति को देखने लगा और उसने बोला, मगर मुझे तो उसमें कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो मूर्तिकार ने बोला, नहीं, इसको बनाते टाइम मेरे से इसकी नाक खराब हो गई थी, पूरी टूट गई थी और वो नाक दोबारा नहीं बन सकती, इसलिए मैं दोबारा पूरी की पूरी एक नई मूर्ति बना रहा हूँ। तो टूरिस्ट काफ़ी क्यूरियस हो गया, उसने सोचा, अच्छा, इतने से डिफेक्ट की वजह से आपने पूरी मूर्ति डंप कर दी, ये मूर्ति आखिर यूज़ कहाँ होनी है। तो मूर्तिकार ने बताया कि ये जो मूर्ति है ये एक नया भव्य मंदिर बन रहा है और वहाँ पर सबसे ऊंची जगह पे लगेगी, एकदम टॉप ऑफ द टेम्पल वो मूर्ति लगेगी और इसलिए मैं इस मूर्ति को बहुत ध्यान से बना रहा हूँ। ये सुनते ही टूरिस्ट को हंसी आ गई और उसने बोला, अरे, जब ये मूर्ति इतने ऊपर जाके लगनी है तो किसी को भी इसका डिफेक्ट नज़र नहीं आएगा, इतने करीब होने के बाद भी जब मैंने इस मूर्ति को देखा तो मुझे वो टूटी हुई नाक समझ नहीं आई, मुझे ये मूर्ति बिल्कुल परफेक्ट लगी। तो जब ये इतनी ऊपर लगाई जाएगी तो कैसे पता लगेगा कि नाक में थोड़ा सा डिफेक्ट है, आप सेम मूर्ति को यूज़ कर सकते थे। तो मूर्तिकार ने एक बहुत सरल आंसर दिया, उसने बोला, हाँ, मैं ये दे सकता था, मगर मैं जब भी इस मूर्ति को जाकर देखता तो मेरे मन में एक बात आती और वो होती कि ये मूर्ति डिफेक्टेड है, मैंने जो मूर्ति वहाँ स्थापित करी है उसकी नाक मेरे से टूट गई थी और उसके बाद भी मैंने वो वहाँ स्थापित करवा दी और वो गिल्ट मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, वो गिल्ट मुझे हमेशा खोजता रहेगा, हॉन्ट करता रहेगा और इसीलिए उस गिल्ट से बचने के लिए मैं एक नई मूर्ति बना रहा हूँ जो मैं परफेक्टली बना पाऊँ। फ्रेंड्स, कितनी बार ऐसा होता है कि हम पूरे दिल से किसी काम को कंप्लीट करते हैं मगर एंड में जब हम देख रहे होते तो हमें पता लगता है कि हमने उसमें कोई गलतियाँ करी हैं, मगर हम उन गलतियों को इग्नोर करते हैं और उस काम को आगे दे देते हैं। हमें लगता है कि किसी को पता नहीं लगेगा, मगर दो लोगों को हमेशा पता लगता है कि हमने गलती की है। एक हमें हमारे कॉन्शियस को हमेशा ये पता रहता है कि हमने जो चीज़ दी है उसमें हमने अपना 100% इनपुट डाला था या नहीं, हमने सही चीज़ आगे दी है कि नहीं दी है। और दूसरा है हमारा यूनिवर्स, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं उसका हमें रिएक्शन ज़रूर मिलता है। तो अगर आप किसी को गलत चीज़ दे रहे हैं जानबूझकर, आप जानते हैं कि आपने ये गलती करी है, आप जानते हैं कि जो चीज़ आपने आगे दी है वो सही नहीं थी, आप जानते हैं कि जो शब्द आपने बोले थे वो सही नहीं थे, फिर भी जब आप दे रहे हैं तो वो आपको वापस उसी फॉर्म में मिलेंगे और तब हम बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एक्शंस को, अपने वर्ड्स को हमेशा ध्यान दें। हम अपनी तरफ से ये गलती ना करें कि हम इम्परफेक्ट चीज़ आगे दे दें। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या आप कोई स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप अपना 100% एफर्ट उसमें नहीं दे रहे, अगर आप जानते हैं कि आप अपनी ही गलतियों को इग्नोर करे जा रहे हैं और उसको ठीक करने की आप कोई कोशिश नहीं कर रहे, बस आप ये सोच रहे हैं कि किसी और को पता नहीं लगने वाला, तो याद रखिए आपको हमेशा पता रहेगा। आपका कॉन्शियस आपको हमेशा ये चीज़ याद दिलाएगा कि आपने क्या गलती की थी, और यूनिवर्स जो कि एक मिरर की तरह है, वो भी आपको उसी के हिसाब से रिजल्ट ज़रूर देगा। सो मेक श्योर योर एक्शंस आर परफेक्ट, मेक श्योर आप दिल से काम कर रहे हैं, और जो भी काम कर रहे हैं अपनी तरफ से उसमें गलती ना होने दें। मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से परफेक्ट काम दें। जब आपने काम किया, क्या आपने अपनी तरफ से उसे पूरा किया? जवाब आप जानते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।